दोस्तों स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आरआरबी की वैकेंसीज के लिए हमने जो साइंस के चैप्टर वाइज वीडियो की सीरीज शुरू की है उसमें यह हमारा दूसरा वीडियो है। यह चैप्टर टू है, फिजिक्स का चैप्टर टू है। चैप्टर वन हम आपको पहले इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। चैप्टर टू को हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से चैप्टर वन ख़त्म किया था। तो दोस्तों इसमें हम दाब और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और ये दोनों चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर से आप में 7-8 क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे की सीरीज़ के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दाब, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दाब जो होता है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू पृष्ठ के लंबवत तल डिवाइड बाई पृष्ठ का क्षेत्रफल। लंबवत तल जो होता है सरफेस और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसके भागफल को हम दाब कहते हैं। इसलिए इस फार्मूले से यह क्लियर हो रहा है कि वस्तु का क्षेत्रफल जितना ही कम होगा वह सतह पर उतना अधिक दाब डालेगा। जो जिस वस्तु से हम प्रेशर डाल रहे हैं किसी सतह पे उसका वह चीज़ अगर नुकीली है, जैसे कील, कील को नुकीला इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका जो है एरिया कम हो जाता है, उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है। इसीलिए कील को जब दीवार में ठोंकते हैं तो घुस जाती है सुई। इन सब चीज़ों पर हमको कम दाब लगाना पड़ता है इसको पिनिट्रेट करने के लिए। तो यह डायरेक्टली इसके ऊपर होता है पृष्ठ का लंबवत तल, तल जिस तल पर लगा रहे हैं और उसका क्षेत्रफल दोनों पर होता है। अब हम बात करेंगे वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर आपको जैसे मालूम है कि वायुमंडल है। वायुमंडल क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है और यह वायुमंडल हमारे ऊपर दाब डालता है। वायुमंडलीय दाब जो है वायुमंडलीय गैसों का जो दाब होता है इसको वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब जो है वह दाब होता है समुद्र तल के पारे के 76 सेंटीमीटर पर मिलता है, लंबे स्तंभ पे बराबर होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब यह 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है और 10^5 न्यूटन पर मीटर को एक बार बोलते हैं। एक बार, बार क्या होती है? दाब की, दाब का मात्रक होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार और पास्कल भी एक इसका दाब का मात्रक होता है। तो यह है दोस्तों। और वायुमंडल का इतना अधिक दाब हमें महसूस नहीं होता है। 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है इतना दाब हमको महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि हमारे शरीर में रक्त तथा अन्य कारक के दाब अंदर से वही दाब को संतुलित करते हैं। ब्लड का जो दाब है और दूसरे जो कारक है उनका जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं उसको। समुद्र तल के ऊपर जब हम जाते हैं तो वायु जो होती है विरल होती है और वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। जब वायुमंडलीय दाब घट जाएगा तो ऊपर जाने पे जब हाई ब्लड प्रेशर के लोग जो होते हैं उनको दिक्कत होती है। इसीलिए जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो होते हैं उनको हवाई जहाज़ की यात्रा करने से मना किया जाता है, उनको हवाई जहाज़ में नहीं बैठने की सलाह दी जाती है। तो यहीं पर देखिए 3-4 क्वेश्चन आपके ये बन गए। समुद्र तल पर दाब कितना होता है? 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है और यह 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसको बार बोलते हैं। एक बार बराबर कितना होता है? 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यह क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बार होता है, यह भी एग्जाम में आया हुआ है। और वायुमंडलीय दाब का दूसरा मात्रक क्या होता है? पास्कल।
ये तीन चार क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए वायुमंडलीय दाब के। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हवाई जहाज की यात्रा ना करने की सलाह क्यों दी जाती है। इसका उत्तर आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर का जो वायु होती है वो विरल होती है, और जब वो विरल होगी तो जो हमारे शरीर के अंदर का जो दाब है वो एटमॉस्फेयर के दाब को बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दाब ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा है और बाहर का दाब कम है, तो हमारे शरीर की जो नसें हैं इसके अंदर ब्लड है वो नसों को फटने का डर रखता है। नसें फटेंगी जो आपको जानता है कि कितना खतरा हो जाता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ऊपर जाने की सलाह नहीं दी जाती है, हवाई जहाज़ की यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती है। तो ये तो हो गया दोस्तों वायुमंडलीय दाब के बारे में। और जो वायुमंडलीय दाब होता है इसको जो 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका बैरोमीटर से इसको मेजरमेंट करते हैं वायुमंडलीय दाब का। जबकि कोई गैस होती है अगर किसी वायुमंडलीय दाब का मेजरमेंट हम बैरोमीटर से करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का मेजरमेंट कैसे करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं, एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसी दूसरी गैस का दाब अगर हमको नापना है तो नैनोमीटर से प्रयोग किया जाता है उसको। बैरोमीटर में पारे का स्तंभ गिरना आंधी या वर्षा की सूचना देता है, क्योंकि जब आंधी या वर्षा आने वाली होती है तो वायुमंडल का दाब जो है घट जाता है। जो हमारा बैरोमीटर है उसमें पारे की लेवल नीचे आ रहा है, यानी कि प्रेशर कम दिखा रहा है, दाब कम दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि या तो आंधी आने वाली है या बारिश होने वाली होती है, क्योंकि बारिश होने से और आंधी आने के पहले वायुमंडल का दाब कम हो जाता है हमारा। तो मौसम विभाग में भी इससे पता लगाया जाता है कि कैसे होता है ये चीज़ें कैसे होती हैं। और जो एक चीज़ इसका एक एग्जाम्पल और है, क्योंकि साधारण दाब पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है, जबकि पहाड़ों पर दाब कम होता है, वहाँ पर कम ताप पर ही पानी खौलने लगता है, तो इसलिए प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने के कारण पानी अधिक ताप पर खौलता है, इसलिए वहाँ पर जो प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है किसी भी सामग्री को आसानी से पकाया जा सकता है। और तो ये वायुमंडलीय दाब के बारे में मैंने आपको सब बता दिया, और इससे करीब 10-12 तरह के क्वेश्चन से बन रहे हैं, और 10-12 तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं जो, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा के बारे में देखते हैं। ऊर्जा जो होती है हमारी, यह ऊर्जा दो तरह की होती है, एक आपको मालूम होगा गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेमेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो जो गतिज ऊर्जा होती है हमारी, गतिज ऊर्जा जो होती है इसका फार्मूला होता है E=1/2 mv² E=1/2 mv² गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण कार्य करने की क्षमता, गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता, इसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि यम द्रव्यमान, ये एम है, E=mv², एम क्या है, द्रव्यमान है, किसी वस्तु का वेग क्या है, वी है, वी फॉर वेलोसिटी, एम फॉर मास, तो उसकी गतिज ऊर्जा का फार्मूला होगा E=1/2 mv² एम क्या है, यहाँ पे मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। तो ये है इसका दोस्तों फार्मूला। और इसमें जो है द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग, वेग का वर्ग के गतिज ऊर्जा का मान जो होता है ये इक्वल टू इसके मल्टीप्लिकेशन में, और वेलोसिटी के स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में होती है। इसलिए बंदूक से जो गोली निकलती है बहुत कम द्रव्यमान की होती है, उसका वेट तो बहुत कम होता है, एम उसका क्या होता है, मास जो होता है बहुत कम होता है,
लेकिन वेलोसिटी अधिक होती है, वेलोसिटी उसका वेग ज़्यादा होता है, और वेग का भी यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर होता है तो ई एनर्जी क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है वो, जो गोली निकलती है बंदूक से उसका मास कम होता है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए गतिज ऊर्जा ज़्यादा डेवलपमेंट होती है उसके अंदर और इसलिए नुकसान ज़्यादा करती है। सेकेंड है हमारा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में किसी वस्तु में उसकी स्थिति अवस्था के कारण विद्यमान कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को, स्थितिज ऊर्जा में स्थिति या अवस्थिति अवस्था के कारण विद्यमान कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये दोनों मंत्र है, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और ये जो स्थितिज ऊर्जा है बहुत से वस्तुओं में अलग अलग रूपों में विद्यमान रहती है, बहुत सारे रूप में, जैसे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ये सब चीज़ें होती हैं, और प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, विद्युत आदि जो है ऊर्जा के दूसरे रूप होते हैं। अब ये एक हमारे पास एक टेबल है, कौन सा यंत्र किस ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको मैं समझा दे रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए, और समझ में अगर फिर भी नहीं आता तो आप इसको रट लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। विद्युत सेल यंत्र कौन सा है, विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ऊर्जा का रूप जो होता है रासायनिक ऊर्जा इसको मिलती है और उसको ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत सेल जिसको हम जानते हैं ना, बैटरी, रासायनिक ऊर्जा उसके अंदर होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी वाली ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में देता है, विद्युत ऊर्जा लेता है ये और हीट और प्रकाश ऊर्जा देता है ये। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ये डायनेमो का काम होता है। टर्बाइन क्या करती है, टर्बाइन भी यांत्रिक ऊर्जा लेती है और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन करती है, विद्युत ऊर्जा उसको दी जाती है मोटर को और उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ये। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा उसको दी जाती है और उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वाद्य यंत्र बजाने वाले यंत्र जो होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा उनको दी जाती है, मैकेनिकल एनर्जी उनको दी जाती है और उसको क्या करते हैं, साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो थे ऊर्जा के रूप के, ऊर्जा के स्वरूप को जो परिवर्तन किया जाता है। अब हम देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी। मास एनर्जी इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है MC स्क्वायर। यहाँ पर सी क्या है, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ m/s इसका ही वैल्यू होती है, 3 × 10⁸ m/s स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। और यदि 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में पूर्णतः बदल दिया जाए तो इससे मिलने वाली ऊर्जा का मान, 1 ग्राम द्रव्यमान है, m की वैल्यू 1 ग्राम दे दी है इन्होंने, तो ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में इक्वल टू ये हो जाएगा 1/100 kg इंटू 3 × 10⁸ m/s². तो ये हो जाएगा 9 × 10⁰³ जूल इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा। हम सौर ऊर्जा देखते हैं। सौर ऊर्जा का जो होता है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा बोलते हैं। इसे ऊर्जा का मूल स्रोत नाभिकीय संलयन है। इस ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है हमको उसको हम सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा बोलते हैं। सोलर एनर्जी, सूर्य से एनर्जी लेते हैं उसको, सोलर प्लांट जो होते हैं हमारे सौर ऊर्जा को लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 4 नाभिक आपस में क्रिया करके हीलियम का 1 नाभिक बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलते हैं और हीलियम का 1 नाभिक बनाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। हीलियम बनने की इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की कुछ क्षति तो हो जाती है,
लेकिन द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और जो इसके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की विवेचना भली भांति हो जाता है। सूर्य में लगभग 99% हाइड्रोजन होता है। सूर्य में 99% हाइड्रोजन होता है। अगला टॉपिक है प्लवन का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। प्लवन का नियम, जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से द्रव में डुबोई जाती है, किसी भी वस्तु को हम आधा हिस्सा उसका या पूरा हिस्सा किसी द्रव में जब हम डुबो देते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है, उसका भार जो होता है उसके वेट में कमी आ जाती है। यह कमी वस्तु पर द्रव के उत्प्रेक्ष के कारण होती है। यह उत्प्रेक्ष ऊपर की ओर कार्य करता है, साथ ही वस्तु का भार नीचे की तरफ कार्य करता है। जब कोई वस्तु हमने डूब इसमें किसी द्रव में डूबाया तब क्या होता है, उस पर दो बल लगते हैं। पहला बल लगता है वस्तु का भार, जो वस्तु का भार है वो कहाँ करेगा, हम दबा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ कार्य करेगा। मान लीजिए वेट W1 है इसका, ये नीचे की तरफ दबाएगा, पानी में नीचे की तरफ, द्रव या पानी या कोई और द्रव भी होगा उसमें नीचे की तरफ दबाएगा। दूसरा को क्या होता है, द्रव की उछाल। अब द्रव क्या करेगा, उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने की कोशिश करेगा तो एक द्रव्य का उछाल आएगा। तो इस पे दो बल लगते हैं। किसी वस्तु का द्रव में संतुलन इन दोनों बलों के आपेक्षिक परिणाम पर निर्भर करता है। अब वस्तु का संतुलन कैसा रहेगा, वो डूबेगी या फिर कैसा रहेगा, वो दोनों बलों का जो भी संतुलन होगा, एक ऊपर की तरफ लग रहा है एक नीचे की तरफ लग रहा है, या उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, कोई वस्तु किसी द्रव्य में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डूबी हुई तब तैरती है। तो उसके तैरने के कारण क्या होता है, तब तैरती है जब उस वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भार द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कोई वस्तु आधा या पूरा डूबा हुआ है और वह पानी में मान लीजिए तैर रहा है, तो तैरने की कंडीशन क्या होगी, जितना हिस्सा उसका डूबा हुआ है उसका जो भार है और पानी वस्तु द्वारा जितना पानी हटाया जा रहा है उसके भार के जब बराबर हो जाएगा तभी वह तैर पाएगी। जहाज क्या है, पानी में तैरता है पानी का जहाज, लेकिन जितना लोहा जहाज में लगा है अगर उसका एक गोला बनाकर समुद्र में गिराया जाए तो क्या होगा, डूब जाएगा, नहीं तैर पाएगा, क्योंकि उसकी सेफ ही ऐसी बनाई जाती है, क्योंकि उसके द्वारा हटाया गया जल, उसके द्वारा पानी हटाया गया पानी जो है उसके भार के बराबर होता है। प्लवन का नियम है, प्लवन के नियम पर ही जहाज जो है पानी की जहाज वो समुद्र में तैरती है। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये ऊर्जा और दाब हमने इन दोनों टॉपिक को कवर किया है और ये हमारा चैप्टर 2 था। चैप्टर 3 में हम आगे इसका कवर करेंगे, उसमें भौतिक विज्ञान की कुछ डिफिनेशंस हैं, विस्थापन, चाल, वेग, संवेग, ये सब इन सब के बारे में बताएंगे, ससंजक बल, असंजक बल, प्रत्यास्था, पृष्ठ तनाव, श्यानता, इन सब के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।